Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सीट बदलने के बाद हसनपुर से मंगलवार 13 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले रविवार 11 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और छोटे भाई तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को चुनावी मैदान में उतरने से पहले पार्टी का सिंबल दिया। चुनावी सिंबल मिलने के बाद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तेजस्वी यादव की उपस्थिति में पिता लालू प्रसाद यादव की तस्वीर को साक्षी बनाकर अपनी माता राबड़ी देवी से हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए आरजेडी का सिंबल प्राप्त किया। जनमानस के विश्वास का कर्जदार रहूंगा। जय बिहार, मिस यू पापा। गौरतलब है कि 2015 में राजनीति में कदम रखने वाले तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद की छत्र छाया में महुआ विधानसभा से चुनाव जीता था, लेकिन 2020 में हालात बिल्कुल बदल चुके हैं क्योंकि लालू प्रसाद इस वक्त जेल में हैं और पिता की गैर मौजूदगी में ही इस बार तेज प्रताप के सामने दोबारा चुनाव जीतने की चुनौती है। आपको बता दें कि 2015 में महुआ से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तेज प्रताप ने इस चुनाव में अपनी सीट बदल दी है और अब वो समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तेज प्रताप पिछले कुछ दिनों में हसनपुर क्षेत्र का दोबार दौरा कर जनता के बीच जाकर मन टटोल चुके हैं। प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी को वीडियो कॉल के माध्यम से हसनपुर में मिल रहे जन समर्थन को भी दिखाया था उन्होंने। उसके बाद से ही कयासों का दौर शुरू हो गया था कि तेज प्रताप यादव इस बार महुआ से नहीं हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिलने के बाद सारी अटकलों पर विराम लगते हुए ये बात पक्की हो गई थी कि वो समस्तीपुर जिले के हसनपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से तेज प्रताप यादव के नामांकन को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भी तैयारी शुरू कर दी है। रोसड़ा में अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद एक सभा का आयोजन किया जाएगा। आरजेडी के नेताओं ने बताया है कि चुनावी जनसभा को तेजस्वी यादव भी संबोधित करेंगे और अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के लिए वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि बिहार चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को है, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को और तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।